राजपूत राजां दे विच इतिहास च अपनी वखरी छाप छड्डन वाला जाट राजा जिसने किसी दे अगे कदे गोडे नहीं टेके। मराठियां दे नाल मिलिया तां मुगलां दे दंद खट्टे कर दिते। ईश्वरी सिंह नूं समर्थन दिता तां सत्ता दे तख्त ते बिठा दिता अते हत्थी तलवार चुकी तां जंग दे मैदान विच दुश्मन नूं ढेर कर दिता। असीं गल कर रहे हां भरतपुर दे महाराजा सूरजमल दी, जिन्हां नूं लै के मुगलां विच इक कहावत बहुत मशहूर सी, तीर चले तलवार चले चाहे इशारे नाल, अल्लाह इस वार जाट बचाए भरतपुर वारे तो। महाराजा सूरजमल उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली महाराजा था। 1763 में उन्होंने मुगलों के खिलाफ दिल्ली पर चढ़ाई की और अपने बेटे जवाहर सिंह को उन्होंने फर्रुखनगर में एक मोर्चे को संभालने के लिए भेजा और स्वयं दिल्ली की ओर बढ़ गए और सादरा के पास हिंडन नदी के किनारे दिल्ली में उन्होंने अपनी फौज का पड़ाव डाल दिया और विधर्मी दिल्ली के शासक के खिलाफ युद्ध के लिए उन्होंने अपनी व्यूह रचना प्रारंभ की। पहले दिन युद्ध हुआ जिसमें जाट सेना ने मुगलों के छक्के छोड़ा दिए। 25 दिसंबर नूं महाराजा सूरजमल दा 257वां बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। उन्हां दा जन्म औरंगजेब दी मौत दे दिन ही 13 फरवरी 1707 नूं होया सी। सूरजमल नूं अपने पिता बदन सिंह तों वैर दी जागीर मिली। सन 1733 विच महाराजा सूरजमल ने सोगरिया दी फतेहगढ़ी उत्ते जित प्राप्त कीती। इस तों बाद उन्हां 1743 विच उसे जगह ते भरतपुर शहर दी नींह रखी ਅਤੇ 1753 ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੂਰਜਮਲ ਨੇ ਭਰਤਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅਪਹੁੰਚ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਲੇ 'ਤੇ 13 ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਮੋਟੇ ਤੋਪ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵੀ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਕਿਲਾ ਹੈ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਭਰਤਪੁਰ ਰਾਜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਆਇਆ कि महाराजा सूरजमल का बलिदान का बदला लिया जाए, किसी न किसी तरह से उस विधर्मी को यह पाठ पढ़ाया जाए कि तुमने छत्रपति महान योद्धा वीर सूरजमल का वध किया है या उनकी हत्या की है तो उसका बदला जाट लेकर के रहे। जवाहर सिंह ने जो आजकल भरतपुर किले में जवाहर बुर्ज बना हुआ है यहाँ से सेनाओं का उन्होंने पलायन किया और गिरिराज महाराज जय वेंकटेश्वर महाराज के जयघोष करती हुई सेनाएँ दिल्ली के लिए रवाना हो गई और दिल्ली के लाल किले पर जाकर के अड़ गए। दिल्ली का लाल किला बहुत मजबूत किला है और वहाँ सेनाएं इतनी भयभीत हो गईं जाट सेना को देख करके कि उन्होंने किले के दरवाजे बंद कर लिए और सेना अंदर छुप गई। दिल्ली के दरवाजा इतने मजबूत और नुकीले थे कि हाथी के टक्कर मारने पर हाथी चिंगाड़ मार के वापस आता था क्योंकि वो नुकीले जो कोने थे उसके वो उनके लग जाते थे और हाथी लहूलुहान होकर के वापस आ जाता था। तब भरतपुर के पाखरिया ने अपने को उस दरवाजे से चिपकाया और पीलवान से कहा कि अब आप इसमें धक्का मारिए। तब हाथी ने जोर का धक्का मारा और दिल्ली का दरवाजा टूट गया और भरतपुर की वीर सेना लाल किले के अंदर घुस गई, मार काट की और उसको फतेह कर दिया। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜਮਲ ਦੀ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ। ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਈਸ਼ਵਰੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਧੋ ਸਿੰਘ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੈਪੁਰ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਧੋ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸੂਰਜਮਲ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਈਸ਼ਵਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੂਰਜਮਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਈਸ਼ਵਰੀ ਸਿੰਘ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸੂਰਜਮਲ ਦਾ ਡੰਕਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣ ਲੱਗਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸੂਰਜਮਲ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਪਰ ਵੀਰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਿਲਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਖਾੜ ਕੇ ਭਰਤਪੁਰ ਲੈ ਆਏ। चित्तौड़गढ़ का बुलंद दरवाजा जिसको अलाउद्दीन खिलजी उस पद्मिनी के जौहर के बाद में उसको लेके आया था, वो दरवाज़ा वहाँ लगा हुआ था और उस
दिल्ली विजय के स्मारक के रूप में उस पृथ्वी को महाराजा जवाहर सिंह और भरतपुर की जाट सेना उस दरवाजे को लेकर के आई जो आज भी भरतपुर के उत्तरी द्वार पर लगा हुआ है, जो भरतपुर की वीरता का यश तो गा ही रहा है और एक तरफ उन राजपूतों की शान को भी ये कह रहा है कि आपकी राजपूती शान का दरवाजा भरतपुर में लगा हुआ है। इतिहासकार दसदे ने कि महाराजा सूरजमल ने 80 लड़ाइयां लड़ियां अते सारियां लड़ाइयां च उन्हें जित हासिल की। महाराजा सूरजमल जाट शक्ति समय सिखर ते सी, पर 1763 दा उकाला दिन 25 दिसंबर भी आया जद हिंडन नदी के किनारे नवाब नजीबुद्दौला नाल लड़द्या महाराजा सूरजमल वीरगति प्राप्त कर गए। महाराजा सूरजमल नूं भारत के गौरवमय इतिहास विच एक योद्धा के रूप में याद किया जाता रहेगा जिसने कदे अपनी शर्तां नाल समझौता नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। To watch 24/7 News Live, download ETV Bharat app.